नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितर पक्ष के दौरान हम हर वो वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे आपको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारे पितरों का किन चीजों के साथ खास संबंध है, कौन से शास्त्रों के साथ संबंध है, कौन से वृक्षों के साथ संबंध है, कौन से पक्षियों के साथ खास संबंध है, कौन से पेड़ों के साथ संबंध है। यानी हमारी हर एक छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ हमारे पितरों का खास नाता है। वैसे तो वो हमारे साथ ही खास नाता है, वो हमारे ही तो पूर्वज हैं। जो आज हमारे बीच में नहीं है, वैकुंठ में बास करते हैं, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास 15 दिन के इस पक्ष यानी पितृ पक्ष में जरूर आते हैं और सिर्फ हमसे श्रद्धा और भाव लेकर के जाते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण की जब बात आती है तो गरुड़ पुराण का भी हमारे पितरों के साथ खास नाता है। गरुड़ पुराण में गरुड़ को अगर हम बात करें, सिर्फ गरुड़ की बात करते हैं, तो भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन है। बड़ी भूमिकाएं हैं। देखिए, ज्ञान भी वरदान भी हमने नाम भी इसलिए दिया हुआ है कि ज्ञान भी इसमें आपको मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, प्लस आपके अपने जीवन में कैसे उन चीजों को ढाल लेते हैं जिससे आपका जीवन भी सुखमय यानी वरदान भी मिले आपको। इसीलिए भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण का नाम है। श्रद्धा, श्राद्ध कर्म, क्योंकि श्राद्ध को ही श्रद्धा कहा जाता है और श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा जाता है। आपकी श्रद्धा भाव ही श्राद्ध है बेसिकली। श्राद्ध कर्म, पितृलोक, स्वर्ग, नरक, गरुड़ पुराण में इसका पूरा उल्लेख है, इसकी पूरी जानकारी है, इसका पूरा लिटरेचर गरुड़ पुराण के अंदर ही है। और गरुड़ को बहुत ही पवित्र पक्षी माना गया है, क्योंकि अगर जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो गरुड़ को बहुत अलग भूमिका दी गई है। और खास करके जब हम पितरों की बात करते हैं, ऐसे टाइम में कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण जहाँ पाठ हो रहे होते हैं, जहाँ अनुष्ठान हो रहे होते हैं, वहां जाना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे भी पितर भी शांत होते हैं और साथ के साथ आपका खुद का मन शांत होता है। साथ के साथ आपको अपने जीवन में जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आसान रास्ता तैयार होता है। और इसके अलावा आपकी कुंडली का पितृ दोष भी शांत होते हैं। जब पितृ आत्मा को तृप्ति मिलेगी तो आपको ढेरों आशीर्वाद भी तो मिलेंगे। तो ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण सुनना, गरुड़ पुराण पढ़ना, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये भी श्राद्ध कर्म में एक कर्म माना जाता है। और आप चाहें तो गरुड़ पुराण की पुस्तक मंदिर में जाकर के दान भी दे सकते हैं, इससे भी आपका कल्याण होता है, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।